नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यूं तो अगले एक महीने के लिए भाजपा ने कार्यक्रम तय किए, लेकिन इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा रूठे नेताओं को मनाने पर हुई। चुनावी साल में रूठे नेता पार्टी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। दीपक जोशी के प्रकरण के बाद से बीजेपी सतर्क है, इसलिए बैठक में भाजपा नेता प्रभात झा ने कहा कि रूठों को मना लेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी बोले कि राजनीति में ये सब होता है, यथासंभव बात करेंगे। उधर सत्यनारायण जटिया ने भी पूर्व मंत्री दीपक जोशी को हवा का झोंका बताते हुए कहा कि दीपक कहीं प्रकाश करता है तो कहीं बुझ भी जाता है। तो एक तरफ रूठों को मनाने की कवायद और दूसरी तरफ रूठे हुए के प्रति दीपक बुझने जैसे शब्दों का प्रयोग। भाजपा कार्य समिति की बैठक में कहीं संकल्प दिखा तो कहीं जाने वालों के प्रति नाराजगी भी नजर आई। अब देखना है कि इस महाअभियान मिशन 2023 के लिए कितना मुफीद साबित होता है और जो रूठे हैं उन्हें पार्टी कैसे बनाएगी, ये जानेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। भाजपा कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में आयोजित की गई। बैठक में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रोड मैप पर भी बीजेपी मेहनत कर रही है। 20 मई से 30 जून तक बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। बीजेपी के दिग्गज नेता घर घर जनसंपर्क कर लोगों को भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएंगे। विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक लोकसभा में प्रभावित लोगों से संपर्क होगा। हर लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रवास पर रहेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन से लेकर लाभार्थी सम्मेलन करके पार्टी जनता की नब्ज टटोलने का काम करेगी। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होंगे। यानी कुल मिलाकर भाजपा इस महाअभियान के जरिए पूरे प्रदेश को खंगालने की तैयारी में है और चुनाव से पहले हर मतदाता तक पहुंचने का भाजपा का लक्ष्य है। भाजपा के इस महाअभियान पर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने भी प्रकाश डाला। इन सारी कार्य समिति और हमारी जो शक्ति केंद्र और बूथ की बैठक है उसमें हम अपने इस कार्यक्रम को नीचे तक विस्तारित करेंगे और कैसे कार्यक्रम को करना है उसकी योजना नीचे तक हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत करवाएंगे। उसके बाद पहला कार्यक्रम जो इस योजना के माध्यम से संगठन ने बनाया है वो 29 तारीख को बनाया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी आप सभी के साथ संवाद करेंगे, आपके साथ बैठक करके आपके साथ भोजन के साथ चर्चा करेंगे। उसी दिन शाम को जो हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी और संवाद का कार्यक्रम होगा। भाजपा के इस अभियान पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा है कि शिवराज सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए भाजपा मोदी के सहारे है। प्रदेश कार्य समिति की जो भाजपा की बैठक संपन्न हुई है उसमें उन्होंने जो निर्णय लिया है कि मोदी जी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगे, मतलब ये साबित करता है कि कार्य समिति ने ये मोहर लगा दी कि शिवराज जी असफल मुख्यमंत्री हैं, उनके समय में प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, प्रदेश में बेरोजगारी आसमान पर है और वो एक पूरी तरह से असफल मुख्यमंत्री, इसलिए आप मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले हो। बिल्कुल सत्य है, शिवराज जी ने कहीं कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रदेश को जनता को ठगा है, झूठे वादे किए हैं और अब चूंकि कार्य समिति जानती है उनका समय पूरा हो गया, कमलनाथ जी आने वाले हैं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो शायद उन्होंने इसलिए उस डर से मोदी जी का चेहरा आगे किया, लेकिन मोदी जी का चेहरा भी कमलनाथ जी के सामने ना काफी साबित होगा। चुनावी वर्ष में भाजपा का लक्ष्य हर मतदाता तक पहुंचने का है। भाजपा ने आगामी 20 जून तक मानसून से पहले हर मतदाता तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। मानसून के दौरान मतदाताओं तक पहुंचना आसान नहीं होगा। मानसून के बाद 2 महीने के दौरान प्रदेश की सड़कों की स्थिति सुधारनी होगी। इससे पहले जनसंपर्क के लिए यही अब समय बचा है जिसका सदुपयोग भाजपा करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो महाविजय के इस महाअभियान के पीछे मंशा क्या है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और अशोक शुक्ला जी के साथ। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास, क्या 24 बहाना और 23 निशाना या 23 बहाना 24 निशाना? नहीं,
राजनीतिक पार्टियां लगातार काम करती रहती हैं, इसलिए बहाना और निशाने वाला कोई मामला मुझे नहीं लगता कि होता होगा। पर ठीक है, हम सब लोग अपने हिसाब से आकलन करते हैं, मैं भी अपने हिसाब से आकलन करता हूं, आपको भी पूरा अधिकार है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद दो बातें बहुत साफ हैं। पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और उन्होंने 1 महीने का एक अभियान प्रारंभ करने का जो है तय हुआ है, पूरे देश भर में इस टाइप के अभियान का एक आगाज हुआ है कि सारे लोग प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में 1 महीने का शेड्यूल तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज मध्य प्रदेश भाजपा ने वो तय कर लिया कि 1 महीने तक वो किस तारीख से किस तारीख तक जनता के बीच में जाएंगे। एक एक कार्यकर्ता को 25 घर दिए गए हैं, हर कार्यकर्ता 25 घरों में जाकर के प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कामों की जानकारी देगा, ऐसा हम लोगों को बताया गया। अगली बात यह है कि इसके बाद स्वाभाविक रूप से कि 2023 का चुनाव बीच में आएगा, इसलिए 2024 की तैयारियों में 2023 की तैयारियां स्वमेव हो जाएंगी, उसमें बहुत ज्यादा कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि शिवराज जी का भी अपना एक काम करा हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी भी है और सीनियर जो है बुजुर्ग जो रिटायरमेंट की दौर में पहुंच चुके हैं वो लोगों का आक्रोश भी समझ में आता है। उस आक्रोश को युवा कार्यकर्ताओं के उत्साह से और उनको काम बांट करके उसको न्यूट्रलाइज करने की योजना भी बन चुकी है। तो मुझे लगता है लगभग सारे समीकरण तैयार हैं। लेकिन कई बार ये लगता है कि जैसे प्रवक्ता लोग बोलते हैं, जैसे मैं भी कई बार बहुत ज्यादा अच्छा बोल जाऊंगा ना तो मैं बाद में पूछता हूं कि कैसा रहा, मैंने अच्छा बोला क्या। तो ये जो प्रवक्ता लोग जो है ये दम्भ भरी बातें जब बोल जाते हैं कि कमलनाथ का चेहरा और नरेंद्र मोदी के सामने नहीं लगता, तो फिर खड़गे को काहे के लिए अध्यक्ष बनाया, कमलनाथ को बना देते जब इतना ही बढ़िया चेहरा है और इतना ही उनका प्रभाव है। और इस समय दो बातें बहुत और मैं आपको अलग से कहना चाहता हूं। पहला ये है कि आप इस समय तुलना किससे करोगे, हालांकि ये 2003 की बात कर रहे हैं आज, इनका कहना ये है कि 2003 में दिग्विजय सिंह ने क्या बनाकर मध्य प्रदेश को छोड़ दिया था और हम 2023 में क्या बना रहे हैं। तो ये एक तुलनात्मक बात आज जो है बीडी शर्मा जी ने और बाकी लोगों ने कही है। लेकिन एक बात ये भी है कि 18 महीने का राज और ये बाकी का जो सत्ता का की अदलाबदली के बाद का जो कामकाज था उसकी तुलना भी जो है इस समय चुनाव में की जाएगी। तो आप अपनी बताने के लिए क्या है और इनको बताने के लिए क्या है, ये जनता की कसौटी पर उतरेगा। जो 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 खड़ा हो जाएगा उसको जनता उसकी तरफ झुक जाएगी, जो खड़ा नहीं होगा उसकी तरफ नहीं झुकेगी। ये बहुत साफ साफ मामला है। एक और मैं बात जो है अपनी चर्चा के पहले दौर के समापन से पहले कहना चाहता हूं जी, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के परिणाम बहुत साफ आ गए और उसके अंदर ये बिल्कुल मालूम चल गया कि जो पैटर्न पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था वही पैटर्न जो है वो कर्नाटक में चालू रहा। और आप ये देखिए कि जनता दल सेकुलर के 5% मुस्लिम वोट वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए, जो पश्चिमी बंगाल में 30-32 बरस की वामपंथी पार्टी को शून्य पर लाकर खड़ा करके भाजपा को सरकार बनाने से रोकने का मुस्लिम नेतृत्व का या इनको जो मुल्ला मौलवियों का जो खेल था वो सीधा का सीधा कर्नाटक में भी चला है। और पश्चिमी बंगाल के बाद कोई नहीं बोला, हम सब लोग समीक्षा करने वाले समीक्षा करते थे, लेकिन कर्नाटक के बाद आपने मेरे ख्याल से 1 दर्जन के आसपास ऐसे वीडियो देख लिए होंगे जिनके अंदर ये कहा जा रहा है कि हमने एक एक मौलवी को एक एक मस्जिद में एक एक क्षेत्र में ये सूचना पहुंचाई कि भारतीय जनता पार्टी को यदि सरकार बनती है तो देश के मुसलमानों को नुकसान होगा, इसलिए आप उनको सत्ता में न आने दें। और आप ये देखिए कि 36% वोट 2018 में भाजपा को मिले थे, 106 सीटें मिली थी, 36% वोट इस बार मिले, 66 सीटें मिली, यानी कि 40 सीटों का अंतर हो गया कांग्रेस के वोटों में। 5% कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हम वहाँ 37 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी 500 से लेकर 9000 वोटों के अंतर से हारी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी की बातों पर मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत बड़े नेता है। उनका बता रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना 65, तो 37 सीटें अगर वो जो गिना रहे हैं कि कम वोटों के मार्जिन से आ रहे हैं तो ये शायद आंकड़ा वहां तक जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि 5% वोट का इंटैक्ट स्विंग कांग्रेस के पक्ष में हुआ था, इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा था। 5% वोटों का स्विंग हुआ था, वो स्विंग जो है वो सब जनता दल सेकुलर का था और जनता दल सेकुलर के वोटों में भी उनकी जो जाति है उनका वोट नहीं बल्कि केवल मुस्लिम समाज का वोट था जो शिफ्ट हुआ है। और खुद मुस्लिम समाज के नेता जो अपना वीडियो जारी कर रहे हैं उसमें बताया कि मैसूर का जो जनता दल यूनाइट सेकुलर की सीटें मिलती थी वो कट होके कांग्रेस को मिल गई और पूरे प्रदेश भर में ये वातावरण बना कि जो वोट कटने से भाजपा को सीटें मिलती थी
वो वोट ऐड होने से वो सीटें कांग्रेस की तरफ चली गई। तो इसका प्रभाव सीधे सीधे उत्तर भारत के राज्यों पर पड़ेगा और ये माना जाएगा कि उत्तर भारत के लोगों की समझ में ये आएगा कि देश भर में मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होकर के भाजपा के खिलाफ वोट देता है। अब इसकी प्रतिक्रिया में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होगी, क्योंकि 2014 में देश के बहुसंख्यकों ने सरकार बनाने का मानस बनाया, उन्होंने 2018 के बाद ये उसके में भी जो है पुनः सरकार बनाई। तो ये जो बहुसंख्यक मतदाताओं का सरकार बनाने की मानसिकता है उस पर क्या असर पड़ने वाला है कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की जो मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर भाजपा को रोकने की पद्धति का क्या असर पड़ता है वो देखने वाली। शुक्ला जी, ये प्रभाव क्या मध्य प्रदेश में होता नजर आएगा, क्योंकि AIMIM भी तैयारी कर रही है, 50 सीटें उन्होंने चिन्हित की जिसमें से 33 ऐसी है जो अल्पसंख्यक जहाँ निर्णायक स्थिति में, हालांकि उनमें से 18 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती और 15 बीजेपी ने जीती थी। तो ये जो पूरा महाअभियान है कि आप 30 मई से 30 जून तक एक एक उपलब्धि बताना, और जो शर्मा जी कह रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में होता संभव, अगर ये होता है तो फिर बीजेपी को उसकी काट के लिए क्या करना होगा? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट है शायद आपका, आवाज नहीं आ पा रही। शुक्ला जी आपका म्यूट है शायद आवाज मोबाइल से। जी अब आ गया जी शुक्ला जी, नहीं आवाज अब भी नहीं आ पा रही आपकी शुक्ला जी। मैं दोबारा आता हूँ शुक्ला जी, हमारी टेक्निकल टीम से कहता हूँ, वो आपसे संपर्क करेगी। तो शर्मा जी यही सवाल आपसे कि फिर क्या उपाय इसका? नहीं, दो उपाय हैं। आप यदि ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का की दुधारी तलवार का उपयोग करना चाहते हैं जैसा कि शुरू हो गया है, वो यदि करते हैं तब इससे कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि यह मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है और इसका जो फर्क पड़ेगा, अंतर आएगा साफ शब्दों में। एक बात तो जिन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता रहते हैं वो पहले भी कांग्रेस को वोट देते रहे, कोई भी भाजपा को 2-4% वोट मिल गए हो तो ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा ध्रुवीकरण आम तौर से होता है क्योंकि यहाँ तीसरी पार्टी नहीं है। पश्चिमी बंगाल में 3-4 पार्टियां थी, वहां जनता दल एस जो है वो कर्नाटक में एक नई पार्टी है जिसको क्षेत्रीय दल के नाते वोट चला। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में किसी भी प्रकार का कोई ध्रुवीकरण नहीं है, केवल द्विदलीय प्रणाली है, तीसरे में वोट कटते नहीं है। तो ये सारे वोट पहले भी कांग्रेस को मिलते रहे, इसलिए ये हो सकता है कि जो प्रतिशत कम होता था वो प्रतिशत बढ़ सकता है। बस इसके अतिरिक्त मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं ये मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि प्रतिक्रिया स्वरूप जो मतदान यदि हो गया, जिसका प्रयास भाजपा करने की कोशिश करेगी, तो उसके बाद जो है कांग्रेस की स्थिति में और गिरावट आने की संभावना मान सकते हैं। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं, जो आपने कहा, लेकिन जो पसमानदा मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मोदी मित्र जाने वाले हैं 3 लाख से ज़्यादा, तो क्या ये असर डाल पाएगा कि ठीक है एक ये हो सकता है कि आप हमारे खिलाफ कमिटेड होकर वोटिंग ना करें, हमारे खिलाफ भले हमारे पक्ष में ना करें? ये केवल सरकार की बातें हैं, सरकार के द्वारा और टीवी चैनलों के माध्यम से कही जाने वाली बातें हैं। धरातल पर बिल्कुल साफ है कि जो मोदी सरकार आने के बाद में जो स्वाभाविक निर्णय हो रहे हैं उन निर्णयों के आधार पर प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, होना ही थी। ये प्रतिक्रिया जो आज हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि आप कोर्ट के फैसले आ रहे हैं वो किस प्रकार के आ रहे हैं, जो 70 वर्ष में फैसले नहीं आए वैसे फैसले आ रहे हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर आप देख लीजिए, जो एक कह सकते हैं कि एक दादागिरी हुआ करती थी या एक प्रभुत्व हुआ करता था या एक पूछपरख हुआ करती थी, उसमें समानता आई है। पहले जो बहुसंख्यक समाज था उसकी पूछपरख कम होने लग गई थी, ये कहा जाने लगा था कि परासंपत्तियों में मुस्लिम समुदाय का हक है, पहला हक बनता है, तो जब देश का बंटवारे में सब दे ही दिया तो फिर दूसरा हक मुस्लिम समुदाय का नहीं, जो भारत के लोग बचे हैं उनका हक है, आप जो है उनको अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के रूप में बांट करके यदि बात कहेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को मनोज जी, जब आपने देश का विभाजन धार्मिक आधार पर कर दिया तो भारत में बसने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक है, वो न हिंदू है न मुसलमान है, उसको भारतीय नागरिक के रूप में अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सरकारों ने हद कर दी है कह करके कि
सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनने देंगे और परासंपत्ति पर मुसलमानों का हक है, मुसलमानों का अलग से हक देने की क्या जरूरत है। सात विभाजन झेल चुका है देश, भारत जो है सात विभाजन अभी तक झेल चुका है, और अब आप ये कहोगे कि अब भी संपत्तियों पर हक नहीं उस समुदाय का। वो समुदाय जो चला गया, जो भारत को प्यार करने वाला व्यक्ति था वो भारत में रुका है, इसलिए जो भारत का व्यक्ति है वो भारतीय है, तो भारतीय की संपत्ति है सारी की सारी, ना तो हिंदुओं की है ना मुसलमानों की है, ऐसा कहकर कि हम क्यों विभाजन डाल। जो पूरा अभियान आप देख रहे हैं कि 30 दिन का यह अभियान है, लगभग एक महीने का, योग दिवस है, मंडल कार्य समिति है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बातचीत है, प्रभावी व्यक्तियों से संपर्क है, तो जो नतीजे हमने कर्नाटक में देखे और जो मध्य प्रदेश में 2018 की स्थिति है, तो बीजेपी के नज़रिए से ये कितना चुनौतीपूर्ण है। देखिए 2018 की स्थितियां दूसरी थी, सरकार के प्रति इनकंबेंसी था और सपा के मैदान पर बहुत सारे कारण थे 2018 की परिस्थितियां अलग थी, और जो कर्नाटक की स्थिति है वो अलग स्थिति थी, वहां मुद्दे दूसरे थे। और आज कार्य समिति की बैठक में बीडी शर्मा जी ने बहुत साफ तौर पर ये कहा है कि वो कर्नाटक के मुद्दों पर नहीं प्रदेश के मुद्दों पर लड़ेंगे। बिल्कुल हर चुनाव अलग होता है। जो मैं देख पा रहा हूँ, मतलब इसको अगर मैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से इसको अगर आप अलग नजरिए से थोड़ा सा आप देखें, तो जहां जन अपेक्षाओं की उपेक्षा होती है वहां सरकार के खिलाफ जनादेश आता है। मुझे लगता है कि कर्नाटक में जन अपेक्षाओं की उपेक्षा इसके चलते वहां की जनता जब बहुत मतलब जब जनता किसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती है तब इस तरह के नतीजे आते हैं, जैसे 2003 में हम लोगों ने देखा था दिग्विजय सरकार के खिलाफ जो नाराजगी थी उसका बड़ा फायदा उमा जी को मिला था। तो कुल मिलाकर अभी जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, बीजेपी जो है चुनावी मोड पर है, पूरी तरीके से जनसेवा अभियान चल रहा है, और अभी जो कार्य समिति की बैठक में जो एजेंडा तय किया है पार्टी ने वो पूरी तरह से चुनावी एजेंडा है, जनता के बीच में जाने की कोशिश है। वो लाभार्थियों के साथ भी बात करेंगे, वो बुद्धिजीवियों के साथ भी बात करेंगे, मिडिल क्लास की चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो लाभार्थी है ना शुक्ला जी, ये कर्नाटक में भी था, ये हिमाचल में भी था। नहीं, लाभार्थी तो सभी जगह है। देखिए जो खैराती योजनाएं हैं जिसके दम पर राजनीति अब बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, जैसा हम लोग देख रहे हैं, हालांकि इसकी आलोचना भी होती है, कई बार जो प्रधानमंत्री है वो भी आलोचना करते हैं, लेकिन बावजूद इसके खैराती योजनाएं जो है वो पूरे देश में चल रही। एंटी रामा राव ने शुरू किया था, दक्षिण से ही शुरुआत हुई थी इसकी। बिल्कुल, 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं की जो योजना आई थी वो वहीं से आई थी। बहरहाल मध्य प्रदेश की स्थितियां दूसरी हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को उस तरह की राजनीतिक चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है जिस तरह से उसको बंगाल और कर्नाटक में करना पड़ा है। दरअसल जो एक चेहरे की बात हो रही है, तो मोदी के मुकाबले तो कोई चेहरा कांग्रेस के पास में है नहीं, ये बात दूसरी है कि कहीं किसी राज्य में कांग्रेस को थोड़ी बढ़त मिल सकती है। और मध्य प्रदेश की स्थिति है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिखरी हुई है, कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरी कांग्रेस को एक साथ अपने साथ में रख सके। कमलनाथ जो है पार्टी को साथ में रखने की कोशिश करते हैं तो नेता भिदक जाते हैं, और जब वो नेताओं को साधने की कोशिश करते हैं तो जनता भिदक जाती है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति जो है बड़ी विचित्र स्थिति है कांग्रेस के लिए, यहाँ पर आसान नहीं होगा। और बीजेपी जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ में चुनाव में जा रही है, 2018 में जो इस तरह से वो थोड़ा मामूली अंतरों से जो वो पिछड़ गई थी वो गलती हुए नहीं करने जा रही है वो। और जो आपने कहा कि पार्टी के भीतर जो रूप है उनको बनाने की चुनौती है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की चुनौतियां पहले भी थी, उमा जी की नाराजगी का भी वो सामना करके देख चुकी है, जनशक्ति पार्टी बनी थी कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा था। और मुझे लगता है कि अभी जो कुछ लोग नाराज हैं और कहीं कांग्रेस में जा रहे हैं उससे बहुत बड़ा फर्क जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको हम कहेंगे जिताऊ चेहरा। 2018 में सिंधिया एक जिताऊ चेहरा थे, उनके नाम पर जो है थोड़ी सी बढ़त मिली थी कांग्रेस। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है, और जिन मुद्दों पे वो बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है बीजेपी जो है उनको दूसरे मुद्दों पे ले जाती है, तुष्टीकरण पे ले जाती है, राम पे ले जाती है, बजरंगबली पे ले जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो वैचारिक एक द्वंद है वो तो अलग है, लेकिन जो संगठन है उस संगठन के मामले में बीजेपी बहुत मजबूत है और कांग्रेस के लिए चुनौतियां ज्यादा है, बीजेपी के लिए यहाँ पे चुनौतियां कम। तो शर्मा जी एक संकट ये भी है ना कांग्रेस के सामने कि कर्नाटक का मामला अलग था, लेकिन मध्य प्रदेश में तो खुद कमलनाथ राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, वो राम वन पथगमन की बात करते हैं, तो जो मुस्लिम वोटर है तो वो तो कन्फ्यूजन में रहेगा ही ना कि उनके साथ क्यों जाएगा। नहीं नहीं, मुस्लिम वोटर बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं है, वो कांग्रेस के साथ जाएगा, बस ये है कि कम ज्यादा हो सकता है, और पहले भी वो कांग्रेस के ही साथ ज्यादा रहा है, 5-7-8-10-8% ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में मुस्लिम समुदाय ने वोट दिया है। लेकिन आप एक चीज मान करके चलिए कि भाई दो बड़ी दुकानें लगी हुई हैं, एक अभी नई खुल रही है, पुरानी है, तो सामान तो आप पुरानी से ही खरीदने जाओगे ना। अब हिंदुत्व के नाम पर यदि कांग्रेस चलेगी तो आप राहुल गांधी के चरित्र को और सोनिया गांधी के चरित्र को कहां छोड़ोगे आप।
भाई सबको ना मालूम है कि ये ईसाई ध्रुवीकरण के लिए लगे रहते हैं 24 घंटे, धर्मांतरण के मामले के लिए इन लोगों की सह रहती है, सबको मालूम है ये। तो ये जब ये बातें मालूम है तो आप कमलनाथ जी कितना ही हनुमान जी की पूजा कर ले तो हनुमान जी मदद करने थोड़ी आएगा। मुझे याद है कि आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक पंडित मिले हमसे, हमसे कहने लगे हमने उनको गदा दे दी है हनुमान जी की और अखिलेश यादव जो है सवेरे गदा घुमा के घूमते हैं। तो हम वही थे सामने ही हमारे कह रहे थे, तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा ये बताइए कि राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर के सामने बाहर जो है वो हनुमान जी हैं, तो वो हनुमान जी ज्यादा गदा घुमाएंगे या आपके हनुमान जी की गदा जो है चुनाव में तो, चुनाव में तो अखिलेश यादव परशुराम जी का फरसा लेके भी निकले थे, फरसा लेके घूमे। तो ये जो है सब ड्रामे नहीं चलते जब जनता के सामने स्पष्ट विकल्प हो। अब आज कौन जो है गदा जो है यदि हनुमान जी को बांटना ही होगी तो आप बताइए ना कि वो AIIM के ओबीसी को देने जाएगा, कांग्रेस के राहुल गांधी को देने जाएगा या भाजपा के नरेंद्र मोदी को देने जाएगा? ये तो सबको मालूम है, भारत का एक एक आदमी जानता है कि हनुमान जी गदा किसको देंगे। तो ये इसका बहुत असर पड़ने वाला नहीं। मैं एक आपको कोट कर रहा हूँ बात, आज मेरे पास एक वीडियो आया, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, हम सब लोग चर्चा में उनको बैठाया करते थे, अब आज भी आते हैं वो चर्चा में हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं 42 बरस से कांग्रेस में देख रहा हूँ, 7-8 चेहरे ऐसे हैं जो 3 पीढ़ी खा गए। आप नाम, 8वां नाम नहीं ला सकते कांग्रेस के अंदर। जो युवा उभर करके आता है उसको ये सारे मिलके निपटा देते हैं। आप बताइए कि 2003 के चुनाव से दिग्विजय सिंह चल रहे हैं, 2023 हो गया, 20 साल से दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर के कांग्रेस चल रही है। 20 साल में कितने युवा नेता बूढ़े हो गए? कमलनाथ जी 70 से ऊपर के हैं, आज कितने नेताओं को निपटा दिया इन्होंने 7 साल में? आप समझिए जरा राजनीति को। भारतीय जनता पार्टी के अंदर युवा बुजुर्ग इसलिए नाराज है कि मुझे जयराम जी की नहीं करी, टिकट मांगने के लिए नहीं है, भंवर सिंह शेखावत को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी ने टिकट नहीं मांगी। और आप ये देखिए कांग्रेस के अंदर जो उम्र दराज व्यक्ति हैं वो का पार्टी चला रहे हैं और सारे युवा जो है उनके पीछे घूम रहे हैं। आप बताइए जीतू पटवारी कितना क्रेज है, कितना अच्छा बोलता है। समय की कमी है। शुक्ला जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना होगा, वे कह रहे हैं कि 16 साल के शिवराज जी असफल मुख्यमंत्री हैं, अगर वो सफल होते फिर कांग्रेस कहाँ होती? उन्हीं के शब्दों में पूछ ले जाए कि अगर असफल आदमी 16 साल से सरकार चला रहा, 16-17 साल से जनता 4 बार उसको चुन रही, 3 बार। बिल्कुल मनोज जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि 2008 का जो चुनाव था वो शिवराज जी के चेहरे पर लड़ा गया था, शिवराज जी को कामयाबी मिली थी, 2013 चुनाव में भी कामयाबी मिली है और 2018 में बड़ी चुनौतियां थी शिवराज जी के सामने। इसके बावजूद भी शिवराज जी जो है, शिवराज का चेहरा कहे या पार्टी का चेहरा, वोट शेयर तब भी ज्यादा था। जो स्थिति राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई थी बीजेपी, उसके मुकाबले मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ था। मनोज जी एक लाइन बोलना चाहता हूँ। जी और एक लाइन बोलना चाहता हूँ। मुस्लिम वोटों से ज्यादा महत्वपूर्ण दलित वोट है। आपको ये देखना पड़ेगा कि दलित वोट कहाँ जा रहा है। तो दलितों के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आज जो है वो मायावती का सबसे बड़ा कोई विकल्प दिखता है। तो अब तो दलित समाज जो है मोदी जी में देखता है कि मायावती तो मोदी जी में है, सारी खैराती योजनाएं जो मिल रही है वो इसी तबके के लोगों को मिल रही। बसपा जो कमजोर हुई है, मुस्लिम वोटों की कोई चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। 2014 में यह तय हो गया था कि मुस्लिम वोट जाए जिसको जहां जाना है, और मोदी जी को जब आरएसएस ने या जो पार्टी ने जब उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया था तभी ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोटों की चिंता छोड़ दी है। तो उसका एक बड़ा फायदा जो है बीजेपी को मिला था। और हेमंत विश्व शर्मा जैसे नेता तो खुलकर कह भी रहे हैं कि मैं आपका वोट चाहिए नहीं। जी शर्मा जी, मनोज जी एक लाइन कहना चाहता हूँ। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 5 सीटें ज्यादा मिली थी और मेरा मानना है कि 5 सीटों से ज्यादा का नुकसान जो है टिकट बांटने में हुआ और उससे ज्यादा का नुकसान जो ये जमहूरी मैदान में सभा हुई थी और उसमें अमित शाह ने घोषणा की थी कि हम जो है संगठन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उससे भाजपा माइनस हो गई थी एक लाइन से। और उन्हें सीहोर में आकर के अपनी भूल सुधारना पड़ी और सीहोर में जाकर सभा में ये कहा था कि शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। यदि उसी दिन कह देते हैं शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे तो कोई एक सीट का अंतर पड़ने वाला नहीं था 2018 में भाजपा की सरकार बनी। बिल्कुल, क्योंकि समय की बाध्यता शर्मा जी, बहुत क्षमा के साथ। शुक्ला जी आपका भी, शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने महाअभियान की शुरुआत कर दी है और मोदी का चेहरा आगे रखा है, क्योंकि जिस प्रकार की योजनाएं बीजेपी ने बनाई है और एक महीने का जो रोड मैप तैयार किया वो ये बताता है कि बीजेपी किस लेवल तक तैयारी कर रही है, चाहे वो माइक्रो लेवल की बात करें, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर की बात करें,
डोर टू डोर कैंपेन की बात करें, हितग्राहियों की बात करें, तो कोई ऐसा कोना को बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है जिससे लगे कि वो की तैयारियों में पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।